जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल की, यानी साल 2021 आपके जीवन में कैसा रहेगा। वार्षिक राशिफल में बात करेंगे आज हम मिथुन राशिफल 2021 के बारे में। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मिथुन राशि वालों का समय कैसा रहेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, जानेंगे हम राशिफल में। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं। उन लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लिंक पर दबाकर वीडियो देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, रिश्ते तथा कार्य क्षेत्र, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, इन सभी के बारे में बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने, तभी आप मिथुन राशिफल के बारे में सही जानकारी को पूरी तरह समझ पाएंगे। साल के शुरू में ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। पूरे वर्ष शनि का गोचर अष्टम भाव में मकर राशि में रहेगा। शनि का ढैया का प्रभाव भी रहेगा, जिससे बेवजह की दौड़ भाग रहेगी एवं खर्च भी अधिक होगा। घरेलू और व्यापारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। 5 जनवरी से 25 जनवरी तक राशि स्वामी बुध अष्टम भाव में रहेंगे, मकर राशि में गोचर रहेगा। 30 जनवरी से 20 फरवरी तक बुध बकरी होने से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बकरी ग्रह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। धन खर्च बढ़ेगा। 21 फरवरी से बुध फिर मार्गी हो जाएंगे, बुध के मार्गी होने से हालात में सुधार आएगा। 11 मार्च से 31 मार्च तक बुध नवम भाव में कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि आय का आपका भाग्य स्थान भी है। ये समय आपका अच्छा रहेगा, भाग्य में उन्नति होगी, अच्छे लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, धन लाभ भी होगा। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच बुध मीन राशि में रहेंगे, मीन में राशि स्वामी बुध नीच के होंगे, स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अपने परिवार से मनमुटाव हो सकता है। 30 मई से 22 जून के बीच बुध फिर से बकरी होंगे, 12वें भाव में होंगे, इसलिए बिना वजह यात्राएं हो सकती हैं जिन पर खर्च बढ़ सकता है। इस समय आपको खर्च अधिक करना पड़ेगा और इनकम में कमी होगी। 7 जुलाई से 24 जुलाई के बीच बुध मिथुन राशि में स्वराशि के होंगे, स्वराशि में होने से मनोरंजन और घूमने फिरने पर खर्च हो सकता है, समय अच्छा रहेगा। बुध 27/9/2021 से 18/10/2021 तक इस वर्ष में 2021 में एक बार फिर बकरी होंगे। जब जब इस वर्ष में बुध बकरी होंगे, तब परिणाम स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होंगे, इन समयों पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 2021 में बुध 3 बार बकरी होंगे। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और आय भाव के स्वामी मंगल हैं। चंद्रमा का गोचर लगभग 2.25 दिन में बदलता रहता है, इसलिए मिश्रित फल मिलते रहेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि पूरे वर्ष धन भाव पर रहेगी। वर्ष के शुरू में मंगल की दृष्टि भी रहेगी। शनि की दृष्टि पूरे वर्ष होने से खर्चे भी बढ़ेंगे। साल के शुरू के 2 से 3 महीने धन के लिए अच्छे हैं, बाकी पूरे वर्ष मिले जुले फल रहेंगे धन के लिए। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि 8/2/2021 से, यानी 8 फरवरी 2021 से 17 अप्रैल 2021 तक अस्त हैं। इस समय को छोड़कर बाकी समय शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए पूरे वर्ष की बात करें तो शिक्षा के लिए ये वर्ष अच्छा है। मिथुन राशि वालों का दाम्पत्य जीवन इस वर्ष अच्छा रहेगा। इस वर्ष इनको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे। इस वर्ष प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध में पड़ते समय किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास ना करें, वरना प्रेम संबंध की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। कैरियर की बात करें तो जो लोग नौकरी में हैं,
उनका ये वर्ष ठीक ही रहेगा, लेकिन जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए साल के मध्य में यानी जून जुलाई के आसपास नौकरी मिलने के अच्छे योग हैं। और जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए 2021 मिला जुला फल प्रदान करेगा। वैसे अगर देखें तो पूरे वर्ष का ज़्यादा समय व्यापार के लिए अच्छा ही है मिथुन राशि वालों के लिए। अब संक्षेप में प्रत्येक महीने के राशिफल जान लेते हैं। जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी 4 से 25 जनवरी तक बुध अष्टम में रहेंगे और गुरु शनि के साथ युति में रहेंगे, इसलिए कारोबार में दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, खर्चे भी अधिक होंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। फरवरी की बात करें तो 30 जनवरी से बकरी बुध आकस्मिक खर्चे बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, व्यापार एवं नौकरी में परेशानियाँ आ सकती हैं। मार्च की बात कर लेते हैं, 11 मार्च से बुध नवम भाव में होंगे, भाग्य स्थान में होने से हालात में सुधार होगा, धन लाभ व उन्नति के अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो उसमें सुधार होगा। अप्रैल महीने की बात करते हैं तो अप्रैल महीने के शुरू में बुध अपनी नीच राशि में होंगे, इससे बेकार की भागदौड़ होगी, खर्च ज़्यादा होंगे, अगर विदेशों से जुड़ा कोई कार्य है तो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। 16 अप्रैल से कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे एवं धन लाभ की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। मई महीने की बात करते हैं, 26 मई तक बुध द्वादश भाव में रहेंगे, दूर की यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, संघर्ष के बाद आय के साधन बनते रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा। 30 मई से बुध बकरी होंगे, रुके हुए आवश्यक कार्यों पर धन खर्च होगा। जून महीने की बात कर लेते हैं, 3 जून से बुध फिर से द्वादश भाव में होंगे, कारोबार संबंधी भागदौड़ अधिक होगी, धन खर्च भी अधिक रहेगा, वाहन पर खर्च हो सकता है, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है, मनोरंजन आदि पर विशेष खर्च हो सकता है। जुलाई की बात करें तो महीने के शुरू में भागदौड़ और फिजूल खर्च होंगे, 7 जुलाई से बुध अपनी राशि में आएंगे तो कुछ सोचे हुए कार्यों में तेजी आएगी, रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे, क्रोध पर काबू रखें वरना बनते हुए कार्यों में अड़चने आएंगी। अगस्त महीने की बात कर लेते हैं, महीने के शुरू में पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है तथा आर्थिक स्थिति में भी संघर्ष होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। 9 अगस्त से आपके मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी परंतु कारोबार में संघर्ष अधिक रहेगा। सितंबर महीने की बात करें तो महीने के शुरू में बुध अपनी उच्च राशि में रहेंगे, हालात में धीरे धीरे सुधार होगा, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। अक्टूबर महीने की बात कर लेते हैं, संयम से काम लें, वाद विवाद से बचें, धार्मिक यात्रा हो सकती है, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। नवंबर महीने की बात करें तो महीने का ज़्यादातर समय व्यापार एवं कारोबार के कार्यों में व्यतीत होगा, लेकिन शनि की ढैया होने की वजह से संघर्ष अधिक रहेगा। दिसंबर महीने की बात कर लेते हैं, इस महीने बुध की अपने घर पर दृष्टि होगी, व्यापार में व्यस्त रहेंगे लेकिन संघर्ष के बाद धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है, घरेलू समस्याएं बढ़ सकती हैं। चलिए मिथुन राशि वालों के लिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में घर की बड़ी महिलाएं या फिर बुआ या मौसी को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं आप। भोजन में हरी मिर्च का सेवन करें। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं, सलाह लेकर ही धारण करें। मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वालों के वार्षिक राशिफल 2021 के बारे में कुछ बातें बताईं। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतरदशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।